झारखंड के 1,16,000 सरकारी स्कूल के टीचर्स को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जब स्कूल खुले तो बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव की पूरी जानकारी दी जा सके। में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालय बंद हैं। अब सरकार ये योजना बना रही है कि सबसे पहले सरकारी स्कूल के टीचर्स को कोरोना वायरस से जुड़े तमाम तरह की जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। रांची जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिंह ने ये बताया कि स्कूल खुलने से पहले सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा। चेंज हो गया है तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की सफाई, बच्चों की सफाई, ये सब को देखते हुए उनको ये ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप कैसे व्यवस्था करेंगे बच्चों को बैठने या बैठाने में। भारत सरकार ने मानव संसाधन विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बताते चलें कि शिक्षकों में कोरोना वायरस को लेकर इतनी जानकारी है और यदि नहीं है तो प्रशिक्षण के दौरान पूरी जानकारी दी जाएगी। रांची जिला स्कूल के प्रिंसिपल आशुतोष कुमार सिंह कहते हैं कि सरकार का एक ये सार्थक प्रयास है। शिक्षा से संबंधित सभी अधिकारी एवं सहायक एवं कनीय अभियंता इस प्रशिक्षण को प्राप्त किए हैं, जो वेबिनार के द्वारा 11:30 बजे से 1 बजे तक हुआ है। यह एक सराहनीय कदम है और इसके बाद ये प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जाएगा। गौरतलब है कि COVID-19 को लेकर राज्य सरकार ने शिक्षकों को लेकर जो योजना बनाई है उसके सकारात्मक परिणाम जरूर आएंगे और स्कूल खुलने से पहले सरकार पूरी तरह से तैयारी कर लेना चाहती है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट।